रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू द होल बीएसएन कम्युनिटी। ड्यू टू ह्यूज रिक्वेस्ट फ्रॉम यू स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर्स ऑन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 चैप्टर नंबर 1। वी विल कवर द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिटी अलॉन्ग विद द लेक्चर्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एज आई अर्लियर टोल्ड यू। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, My name is Tehreem Ishaq. Let's start the lecture to community health nursing. The first one is itself community. A group of people living in the same place or having a particular characteristic in common and having common interest are known as community. कि किसी भी जगह पे कुछ लोग जो हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, अगर वो रह रहे हैं तो क्या होगा, कम्युनिटी होगी। हमारी स्कूल कम्युनिटी हो सकती है, हमारी हेल्थ केयर कम्युनिटी हो सकती है, हमारी जो है किसी भी सेटअप के अंदर, पब्लिक सेटअप के अंदर क्या हो सकता है, हमारी कम्युनिटी हो सकती है जहां पर हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हों। देन हम चलते हैं कम्युनिटी हेल्थ की तरफ। तो कम्युनिटी हेल्थ क्या है कि उस पूरी कम्युनिटी की जो हेल्थ होगी उसे हम कम्युनिटी हेल्थ कहेंगे। मतलब क्या है कि फोकस करेगी लोगों पे और उनके रोल पे। कम्युनिटी हेल्थ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ विच फोकसेस ऑन पीपल एंड देयर रोल एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ देयर ओन एंड अदर पीपल्स हेल्थ। उन लोगों की अपनी सेहत और दूसरे लोगों की सेहत में उनका क्या रोल है, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ किस चीज पे फोकस कर रही है कि वो फिजिकल एनवायरमेंट पे फोकस कर रही है कि वो किस तरह से लोगों की हेल्थ पे अपना इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। हम यहाँ पे फिजिकल एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों की और उन्हीं लोगों का इफेक्ट दूसरे लोगों की हेल्थ के ऊपर। कि कम्युनिटी में काफी सारे 15-20 लोग या 100 लोग, 150 लोग, 1000 लोग अगर रह रहे हैं तो आपस में उन लोगों का क्या कनेक्शन बनता है और वो क्या रोल प्ले करते हैं एक दूसरे की हेल्थ मेंटेनेंस के अंदर, तो हम उसको स्टडी करते हैं कम्युनिटी हेल्थ के सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ स्पेशलिटी इन नर्सिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ। दो बातें आ गई इसमें, प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग नॉलेज फ्रॉम नर्सिंग, सोशल एंड पब्लिक हेल्थ साइंसेज। कि नर्सिंग का नॉलेज, ठीक है, और उसके अलावा पब्लिक हेल्थ साइंसेज जो है इनका नॉलेज अगर हम इस्तेमाल करके लोगों की हेल्थ को प्रोमोट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज की तरफ। ये तो आप सबको पता होगा कि रूरल कम्युनिटी कौन सी होती है और अर्बन कम्युनिटी कौन सी होती है, तो हम इनको डिटेल में एक दफा देख लेते हैं। अर्बन एरियाज आर वेरी डेवलप्ड, मीनिंग दैट देयर इज अ डेंसिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर्स। मोस्टली हम सिटीज को अर्बन एरियाज कंसिडर करते हैं या टाउन्स को, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, और जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, जैसे कि वहां पे जो होते हैं वो हाउसेज और कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होते हैं प्रॉपर बने हुए, ठीक है। अर्बन एरिया कैन रेफर टू टाउन्स एंड सिटीज, एंड अर्बन एरिया इंक्लूड द सिटी इटसेल्फ एज वेल एज द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। कि सिटी और उसके सराउंडिंग एरियाज जो हैं, हम उसको उस पूरी अर्बन कम्युनिटी के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर और उसकी पेरिफेरीज में बहुत सारे ऐसे एरिया जिनको हम लाहौर के साथ ही कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया। तो अर्बन कम्युनिटी क्या आ जाएगी, जहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और हाईली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं उनको हम अर्बन कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रूरल एरियाज। ये सिंपली अर्बन एरिया से जस्ट ऑपोजिट हैं, कि क्या होंगे, विलेज साइड्स होंगी, ठीक है, जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स और ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह नहीं होती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं अर्बन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी में, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्बन कम्युनिटी होगी वो मोर पॉपुलेटेड होगी देन द रूरल कम्युनिटी, ठीक है। अर्बन कम्युनिटी में चूंकि फैसिलिटीज ज्यादा है, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, तो वहाँ के लोग हाईली एजुकेटेड होंगे, जबकि रूरल कम्युनिटी के लोग लेस एजुकेटेड होंगे। अर्बन कम्युनिटी में चूंकि वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल भी बड़े बड़े होंगे, ठीक है, और उनके अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी ज्यादा होंगी, ठीक है, जो कि रूरल एरिया में हमें नहीं मिलती हैं। रूरल एरिया में हमें सिंपली जो है रूरल हेल्थ केयर या बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो मिलते हैं। हॉस्पिटल जो होते हैं ना, टर्शरी केयर हॉस्पिटल या जो होते हैं हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स वगैरह, वो वहां पर नहीं होते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं उनको हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो हमारे पास रूरल कम्युनिटी है उनको हेल्थ अवेयरनेस इतनी ज्यादा
नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन कम होती है। ठीक है, अर्बन कम्युनिटी के लोग जो होते हैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हेल्थ एक्सपेंसेस जो है उनको अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि रूरल कम्युनिटी के लोग मोस्टली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक हो गया, तो हमारे पास एक कंपैरिजन हो गया अर्बन कम्युनिटी का और रूरल कम्युनिटी का, तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों को आपस में। हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर दिया, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पांच कॉलम है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले पीरियड्स हम मेंशन करेंगे, किस किस पीरियड में क्या क्या हुआ, देन हम देखेंगे फोकस या सेंटर ऑफ केयर कौन है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि नर्सिंग केयर किन किन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है और किस तरह की सर्विस जो थी जिसपे एम्फेसिस किया जा रहा था, और हेल्थ केयर एजेंसीज कौन कौन सी थी। ठीक है, या कौन से लोग थे जो हेल्थ प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली होम केयर बिफोर मिड 1800s में, तो इसमें हम सिर्फ सिक लोगों को केयर प्रोवाइड कर रहे थे और नर्सिंग केयर भी सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा रही थी। और केयर कौन सी थी, वो क्योरेटिव केयर थी कि डिजीज होने के बाद उसके क्योर के लिए प्रोवाइड की जाने वाली जो केयर होती है उसे क्योरेटिव केयर कहते हैं। तो सिर्फ वही प्रोवाइड की जा रही थी, कोई फर्दर प्रिवेंटिव केयर या जो थी प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह वो कुछ भी नहीं की जा रही थी। ठीक है, और ये दे कौन रहे थे, ले पर्सन थे या रिलीजियस कैरेक्टर थे, जिस तरह से मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो थे प्रीस्ट जो थे उस दौर में, ठीक है, या जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो लोग केयर प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी केयर प्रोवाइड की जा रही थी। 1860 से 1910 के पीरियड में क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग आ गई, यहाँ पर भी केयर जो थी वो सिक पुअर को प्रोवाइड की जा रही थी और नर्सिंग केयर भी उसे ही दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि क्यूरेटिव केयर के साथ साथ प्रिवेंटिव केयर जो था उसको भी थोड़ा सर्टन जो था ना वो स्टार्ट किया गया था कि प्रिवेंशन भी जरूरी होती है। और यहाँ पर जो लोग केयर प्रोवाइड कर रहे थे वो वॉलंटरली ऑफर कर रहे थे, जो कि खुद से केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी को, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ हेल्थ एजेंसी या कुछ सेंटर्स बना लिए थे जहाँ पर हेल्थ प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक हो गया, फिर हमारे पास 1910 से 1970 तक केयर को पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का नाम दे दिया गया। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग क्या था, टू द नीडी पब्लिक, कि जहां जहां पर भी पब्लिक को जरूरत है वहां वहां पर उनको केयर प्रोवाइड की जाए। ठीक हो गया, तो किस किस को केयर प्रोवाइड की जा रही, नीडी फैमिलीज को। अगर हम यहाँ पर देखें इस पीरियड में काफी ज्यादा दुनिया में जो थे पूरी दुनिया में क्राइसिस आए थे। ठीक है, क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली पूरी दुनिया जो थी वो वीक हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस वक्त जो था, एक तो बहुत ज्यादा लोग जो थे वो जख्मी थे, बहुत बुरी कंडीशन में थे। ठीक है, उन लोगों को केयर चाहिए थी। तो ऐसे में जब हमने पढ़ा था कि नाइटिंगेल और उनकी टीम जो थी वो सिविल वॉर में, क्राइमियन वॉर में वो लोग आगे आए थे, तो उसी पीरियड में क्या हुआ कि नीडी फैमिली जो थी जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, रहने को घर नहीं थे, ठीक है, तो उन लोगों को केयर प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, क्यूरेटिव केयर भी थी और प्रिवेंटिव केयर थी टू द होल फैमिली। पब्लिक की बात आ गई ना कि पूरी फैमिली को जो है ना आप केयर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और यहाँ मेनली गवर्नमेंट दे रही थी और कुछ हद तक जो थे वो वॉलंटरली लोग जो थे वो भी केयर प्रोवाइड कर रहे थे। फिर ओरिजिन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कब से हुआ, 1970 से लेके अब तक जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम इसे कह रहे हैं फील्ड को। ठीक है, और इसमें केयर किसको प्रोवाइड की जा रही थी, टू द कम्युनिटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी को, जितने भी लोग उसके अंदर हैं, चाहे वो सिख हैं चाहे वो हेल्दी हैं, ठीक है, उन सबको केयर प्रोवाइड की जा रही थी। जो सिख हैं उनको क्यूरेटिव केयर, ठीक है, और जो लोग हेल्दी हैं उनको हेल्थ की प्रमोशन के लिए जो है वो केयर प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, तो नर्सिंग केयर भी पॉपुलेशन को दी जा रही थी कम्युनिटी में, और सर्विस क्या थी, हेल्थ प्रमोशन थी और इलनेस प्रिवेंशन थी, कि जो लोग हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए और जो लोग इल हैं सिख हैं उनको जो है वो क्या किया जाए, उनको क्योर किया जाए और इलनेस को फर्दर जो है वो प्रिवेंट किया जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट की एजेंसीज आ गई और इंडिपेंडेंट एजेंसीज या सर्टन हॉस्पिटल्स वगैरह आ गए जिन्होंने केयर प्रोवाइड करना शुरू कर दी। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम चलते हैं फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पीछे क्या फिलॉसफी थी, हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जब हम फॉलो कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो हम किन किन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, द इसेंशियल डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमने कभी भी उसको हार्म नहीं करना। सेकेंड हमारे पास आता है द पोजेशन बाय इंडिविजुअल्स ऑफ पोटेंशियलिटीज एंड रिसोर्सिस फॉर मैनेजिंग देयर ओन लाइव्स। इस लाइन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो किसी भी इंडिविजुअल की पोटेंशियलिटीज हैं, जो उसके अपने रिसोर्सिस हैं, जो उसकी इंटरनल पावर्स हैं, वो सारी की सारी पेशेंट की कमांड में होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप लोग उनको कमांड में ले लें और आप उस उन पोटेंशियलिटीज को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से उनको मॉडिफाई कर लें। वो सारी की सारी पोटेंशियलिटीज, वो सारी की सारी रिसोर्सेज, वो सारे क्लाइंट की कमांड में होनी चाहिए कि वो जब चाहे, जिसको चाहे, जिस एक्सटेंट तक चाहे वो उनको यूज कर ले। ठीक है, द पोजेशन बाय इंडिविजुअल्स ऑफ पोटेंशियलिटीज एंड रिसोर्सेज फॉर मैनेजिंग देयर ओन लाइफ, के उन्हीं की पोटेंशियलिटीज को, उन्हीं की लाइफ को मैनेज करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस इंडिविजुअलिटी, कि हर किसी के पास इतना राइट होना चाहिए कि वो अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सके। और फोर्थ वन क्या था, द ग्रेट कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ विद इन ऑल सोशल बीइंग, कि हर किसी के अंदर एक ग्रेट कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, तो आपने उसको सिर्फ इन्हांस करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तुम्हारे पास ये चार पॉइंट्स हो गए फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, तो इनको आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या होती है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन करते हैं, WHO ने जो डिस्क्राइब की है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। इसको आपने इसी तरह से याद करना है। ठीक है, कि फिजिकली, मेंटली, सोशली आप बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप जो है वो हेल्दी हैं। आप फिजिकली, आप मेंटली और सोशली जो है आप वेल बींग, आपको लोग मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो आप क्या होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेल्थ को मेंटेन किस तरह से रखा जाता है। ठीक है, तो हेल्थ स्टैटिक चीज नहीं है कि मतलब ये अगर आप हेल्दी एक दफा हो जाएंगे तो दोबारा आपकी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये क्या है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जिसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है, और इसमें अप्स एंड डाउन मैन के मतलब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, या उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी आ सकते हैं, या सर्टन एजेंट्स जो है, जो कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, हमारी जो इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं उनके अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के दरमियान में एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई यहाँ पर। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स में हमारे आ जाते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। ठीक है, होस्ट में हम खुद आ जाते हैं, एनवायरमेंट में हमारी सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारा वाटर, हमारी एयर, हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग, सब कुछ आ जाता है। जब तक इन तीनों चीज़ों में आपस में बैलेंस रहेगा तब तक जो है हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। जहां पर भी किसी भी एक चीज़ में डिस्ट्रप्शन आएगी तो क्या होगा कि हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया। हेल्थ से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास वेलनेस का कॉन्सेप्ट आता है कि वेलनेस क्या होती है। ठीक है, तो वेलनेस हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ, सिर्फ हेल्थ नहीं, गुड हेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, कि आप हेल्थ के उस लेवल तक पहुंच जाओ कि जहां पे आप एक्टिवली जो है किसी भी गोल को अचीव कर सको। ठीक हो गया। द क्लाइंट वांट टू रिमेन इन बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड अप्रोचेस टू कम्युनिटी हेल्थ नर्स फॉर हेल्थ अवेयरनेस। ये क्लाइंट इसमें क्या होता है कि वो हेल्थ नर्स के पास या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाता है कि वो हेल्दी है, उसको कोई डिजीज नहीं है, वो मेंटली, सोशली वेल बींग है, फिजिकली भी। ठीक है, तो वो इससे अपनी हेल्थ को इन्हांस करना चाहता है, वो वेलनेस की तरफ जाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पे जो है पर्पस क्लाइंट जो आता है, हम उसको सर्टन हेल्थ अवेयरनेस देते हैं, स्ट्रेटजीज बताते हैं कि वो किस तरह से वेलनेस की तरफ जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेलनेस इलनेस कॉन्टिन्यूम, कि वेलनेस और इलनेस के आपस में एक साइकिल चलता रहता है, आपस में इंटरचेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसको मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। देखें, हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव हेल्थ है और यहाँ पर डिसेबिलिटी या डेथ होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से हेल्थ वाले पोर्शन की बात करेंगे, हमारे पास हेल्थ वाला पोर्शन है, हमारे पास डिसेबिलिटी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इधर को जाएंगे तो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ हेल्थ है, हम वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इधर को मूव करेंगे तो हमारे पास इलनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी की हेल्थ फेयर है, वो उसको बेटर पर ले जाता है, फिर वहाँ से ऑप्टिमल हेल्थ होती है। ठीक है, और उसके बाद वेलनेस की स्टेज आ जाती है। ठीक है, और अगर हम ऑप्टिमल से बेटर हेल्थ तक या फिर फेयर तक आए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास हेल्थ डिक्रीज होती जा रही है और हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारी इलनेस इंक्रीज हो रही है कि पहले लेटेंट फेज आएगा किसी भी डिजीज का, देन माइल्ड आ जाएगा, फिर सवियर आ जाएगा और हो सकता है कि डिसेबिलिटी या डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम साइकिल इस तरह से चलाएंगे तो क्या होगा कि इलनेस का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम डिसेबिलिटी से सवियर कंडीशन, देन माइल्ड, फिर लेटेंट, और फिर हम अगर हम फेयर हेल्थ तक आ चुके हैं या बेटर तक, फिर ऑप्टिमल तक आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हेल्थ का लेवल जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वेलनेस और इलनेस का एक मुसलसल कॉन्टिन्यूम चलता रहता है। ठीक है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम लेटेंट स्टेज तक जाके वापस हेल्थ तक आ जाते हैं, बाद दफ़ा होता है हम माइल्ड स्टेज तक जाते हैं और फिर हम वापस
हेल्थ तक आ जाते हैं, ठीक है, फिर हम सवियर तक कई दफ़ा चले जाते हैं और फिर हम वापस जो है ऑप्टिमल हेल्थ तक आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम डिसेबिलिटी या डेथ की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इलनेस की तरफ। इलनेस क्या होती है? अ डिजीज और पीरियड ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड। कि कोई भी ऐसी डिजीज या सिकनेस जो कि हमारी बॉडी और हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, वो क्या होगा? हमारे पास इलनेस होती है और इसमें पर्सन जो है अपनी एक्टिविटीज और डेली लिविंग जो कि वो इलनेस से पहले कर रहा था, वो स्कूल जा रहा था, वो कॉलेज जा रहा था, वो पढ़ा रहा था, या वो कुकिंग कर रहा था, या वो कोई भी एक्टिविटीज उसकी डेली लिविंग की जो है वो कर रहा है, तो क्या होगा? वो हेल्दी होगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा उन एक्टिविटीज को, तो वो क्या होगा? इलनेस की कंडीशन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज आ जाती है। तो डिजीज क्या है? अ डिजीज इज अ पार्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी पे या किसी भी उसकी बॉडी के किसी एक पार्ट पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू एन इमीजिएट एक्सटर्नल इंजरी। किसी भी इमीजिएट इंजरी की वजह से नहीं हुआ, ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस हुआ है डिजीज़ का पूरा, ठीक है। और इसमें साइन सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज़ बोलते हैं। जो इमीजिएटली हमारे पास इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं, उन्हें हम एक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रोलॉन्ग पूरे पैसेज के थ्रू चलती आती हुई जो चीज़ होती है हमारे पास डिस्ट्रप्शन होती है, उसे हम डिजीज बोलते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी पे या कि बॉडी के किसी एक पार्ट पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सबसे पहले क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स केयर प्रोवाइडर के तौर पे काम करती है, जो कि कोई भी कॉमन नर्स जो है या जो हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करने वाली नर्स जो केयर प्रोवाइड करती है, वही केयर जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी प्रोवाइड करती है। एज सेंसिटिव ऑब्जर्वर, यहाँ पे ये रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, कि उसने पूरी कम्युनिटी में ये चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है कहाँ पे किस चीज़ की जो है वो एक्सेसिवनेस हो रही है और कहाँ पे किस चीज़ की जो है वो हमें डेप्रिवेशन हो रही है, ठीक हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ को नर्स ने ऑब्जर्व करना होता है और उन जो है हमारे पास कमियाँ बेशियाँ होती हैं उनको उसे पूरा करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। देन एजुकेटिंग पीपल, लोगों में हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस को जो है वो लेकर आना होता है, उनको बताना होता है कि डिजीज़ किस तरह से स्प्रेड करती है, आपने प्रिवेंशन या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो क्या करनी है, ठीक है। और अगर आपको डिजीज़ हो जाती है तो आपने उसके लिए क्या क्या प्रोसेस जो है वो लेकर चलना है। देन एज एन एडवोकेट, अपने क्लाइंट के लिए जो है एडवोकेट के तौर पर काम करती है, उसके लिए लॉयर बन जाती है, उसकी राइट्स पे काम करती है। एज अ कंसर्न्ड एडवाइजर, वो क्लाइंट को एडवाइज करती है उसकी कंडीशन देखते हुए, जिस तरह से कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो होम विजिट्स करती हैं, वहाँ जाके अगर कोई डिजीज पर्सन है, ठीक है, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उनको क्या करती है? एडवाइस प्रोवाइड करती है कि पूरा आपकी ड्यूरेशन है इसमें आपने किस तरह से अपनी केयर करनी है, और अगर आपको कोई सर्टन डिजीज है तो आपने उस डिजीज से दूसरे लोगों को किस तरह से बचा कर रखना है, ठीक हो गया। एज अ प्लानर, वो प्लान बनाती है अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए कि किस तरह से मैं प्लान बनाऊंगी तो मेरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा, कितनी ज़्यादा मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए, कितनी ज़्यादा लोग चाहिए मुझे अपने अंदर काम करने के लिए, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रेटजी मेरे पास होनी चाहिए यहाँ पर इस प्लान को फुलफिल करने के लिए। देन एज एन ऑर्गेनाइजर, वो ऑर्गेनाइजर के तौर पर भी काम करती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है लीडरशिप रोल आ जाता है, ठीक है। तो लीडरशिप रोल में क्या होगा हमारे पास? कि नर्स जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करेगी उन लोगों को जो लोग उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है एज अ रिसर्चर, रिसर्चर के तौर पे किस तरह से काम करेगी? वो अपनी पूरी कम्युनिटी में देखेगी किस किस तरह से जो प्रॉब्लम्स उठ रही हैं और रिसर्च वर्क जो है वो उन पे क्या कहता है, और पूरी दुनिया में क्या उस टॉपिक पे पहले काम हुआ है, अगर हुआ होगा तो वो उसको जो है वो रीड आउट करेगी, उसमें हो सकता है वो कुछ उसको सजेशंस मिल जाएं, या अगर पहले से कोई काम नहीं हुआ तो वो ये प्रॉब्लम जो है वो दुनिया के सामने लेकर आएगी कि ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरी कम्युनिटी के अंदर और मुझे इस तरह से इसे किस तरह से रिजॉल्व करना चाहिए कि आप लोग मुझे बताएं, ठीक हो गया। एज अ होम विजिटर, हम इस पर बात कर चुके हैं, रनिंग चाइल्ड वेलफेयर क्लिनिक, ठीक है, तो बच्चों के लिए जो वेलफेयर क्लिनिक है उसको जो है ये मेंटेन करेगी नर्स। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग क्लिनिक जो है वो बनाएगी, लोगों को अवेयर करेगी कि फैमिली जो हमारे पास स्मॉल फैमिलीज होती हैं उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और जो लार्ज फैमिलीज होती हैं उनके क्या जो हमारे पास डीमेरिट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं पेरेंट्स के पास, ठीक है, और जो हमारे पास पॉपुलेशन पे बर्डन किस तरह से पड़ता है, ठीक है, वो सारे की सारी गाइडलाइन जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड करती है किसी भी कम्युनिटी के अंदर,
ठीक है, कंडक्ट स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल टू स्कूल विजिट करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, और वहां जाके देखती है कि वहां बच्चों की हाइजीन और हेल्थ वगैरह का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, और वहां के लोगों को अवेयरनेस और गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो अपने वहां पर हेल्थ को मेंटेन करना है, और रिकॉर्ड कीपिंग अबाउट कम्युनिटी, अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में रिकॉर्ड रखना होता है, जिस तरह से हमारी लेडी हेल्थ विजिटर्स ठीक है LHVs जो है वो केयर प्रोवाइड करती हैं जाके, और इसके अलावा वो ये रिकॉर्ड बनाती हैं कि कितने लोग जो है यहाँ पर डिजीज में है, कितने लोगों की डेथ हुई हो चुकी है और किस डिजीज से हुई है, कितने बच्चों की डेथ हुई है, कितने नियोनेट्स जो है उनकी डेथ हुई है, मेटर्नल कितनी डेथ डेथ हो चुकी है, इन्फेंट डेथ रेशियो क्या है, ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे कोई एंडेमिक वगैरह अगर आई थी तो कितने टाइम के लिए आई थी, ठीक है, और कितने लोगों की डेथ हुई उसके अंदर, ठीक है, और मेरी कम्युनिटी को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या क्या चीज़ें यहाँ पर रिसोर्सेज इस्तेमाल हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनको दोबारा से लेकर आना है, तो ये सब कुछ किसने मेंटेन करना होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ने मेंटेन करना होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमने अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, होप आप लोगों को बहुत आसान लगेगा और आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से लेक्चर्स बनाती रहूं, अपलोड करती रहूं, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई लेक्चर्स के बारे में आपको पता चल जाए, ठीक है, और इसी तरह से हम लोग नई वीडियोज़ जो हैं तमाम सब्जेक्ट्स पे लगाते रहेंगे, ठीक है, मेरा साथ दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।